पानी के विवाद को लेकर महावन क्षेत्र में लगभग एक घंटे तक ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। इस फायरिंग में एक व्यक्ति घायल हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को जैसे तैसे काबू में किया। मामला महावन थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव नगला बीच का है, जहां गांव में उस समय कोहराम मच गया जब दो पक्ष मामूली कहासुनी को लेकर एक दूसरे के सामने आ गए और जमकर फायरिंग शुरू कर दी। इस फायरिंग से गांव में दहशत फैल गई। घटना सुबह करीब 6:30 बजे की है। पानी को लेकर ये विवाद शुरू हुआ था। गोली लगने के कारण एक व्यक्ति घायल हुआ है, जिसका नाम परवन बताया जा रहा है। उसकी आंख में गोली लगी है। दिन दहाड़े होने वाली इस तरह की घटनाएं पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े करती हैं। लोगों में कानून का भय नहीं दिखाई दे रहा, जिसके चलते इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। घायल परवन को उपचार के लिए नियति हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे आगरा के SN मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया गया। वहीं पुलिस मौके पर पहुंचकर हर पहलू पर जांच कर रही है। इस घटना के संबंध में SP देहात आदित्य शुक्ला ने जानकारी दी। ये आज नगला बीच में फायरिंग हुई है, क्या मामला है बुरा सर, आप यहाँ पे आए? ये जनपद मथुरा में थाना महावन के अंतर्गत नगला बीच पड़ता है। यहाँ पर फायरिंग की सूचना पर हम लोग आए हैं और एक व्यक्ति के आँख में फायर लगी है। इसमें गहराई छानबीन की जा रही है और जो बेसमत कार्रवाई होगी वो की जाएगी।